हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आ चुकी हूँ मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, जिसको हम बनाने वाले हैं भुट्टा के साथ। तो भुट्टा अक्सर हम अंगारे पर या गैस पर भून कर खाते हैं। इसको बनाने का एक नया तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मसाला भुट्टा भी इसे आप कह सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको हम कुकर में बनाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल दिखने में भी काली नहीं बनने वाली, ये बिल्कुल मसालेदार दिख रही, दिख रहे हैं आप। इस तरीके से इस भुट्टे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ये देखिए, भुट्टे का छिलका हमने निकाल दिया है, अब इसे हम कुकर में बॉयल करेंगे। इसको डाल दिया हमने कुकर में, जो बड़े बड़े भुट्टे थे ना उसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया है और उसको डाला कुकर में। और पानी डालेंगे इसके अंदर, पानी हमें इतना डालना है जितने में ये भुट्टा अच्छी तरीके से डूब जाए। और इसमें अभी हमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब इसका ढक्कन लगाकर गैस की मीडियम फ्लेम पर इसमें हम 5 से 6 विसल आने देंगे और एक मसाला तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए लिया कश्मीरी लाल मिर्च, सफ़ेद नमक और नींबू लिया है और चाट मसाला। तो इन सभी मसालों को एक जगह मिक्स कर लेंगे। इसमें नींबू का रस डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, भुट्टा भी अच्छे से कुक हो चुका है। भुट्टा बिल्कुल इतना सॉफ्ट हो जाना चाहिए जैसे हम मार्केट से स्वीट कॉर्न लाते हैं ना, उसकी तरह इसे सॉफ्ट हो जाने देना है। इतने देर तक इसे पकाना है और इसके ऊपर हम इस तरीके से मसाला कोट कर देंगे। ये भुट्टा काफ़ी गर्म है, इसके लिए मैंने इसे नाइफ में इस तरीके से पकड़ा हुआ है और इसके ऊपर मसाला लगा रही हूँ। इस तरीके से इस रेसिपी को एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। भुट्टा खाने में तो हम सभी को मज़ा आता है, तो एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। और इसके ऊपर जो मैं मसाला लगा रही हूँ ना, आप ध्यान से देखो कि नींबू के छिलके से ही लगा रही हूँ। ये देखिए, बनकर तैयार है मसाला भुट्टा। इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करें, इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलती हूँ न्यू वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और इस भुट्टा की रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।